हेलो फ्रेंड, मेरा नाम भुवनेश शर्मा, आप मेरे चैनल देख रहे हैं माय चॉइस प्रॉपर्टी। आज मैं आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन लेकर के आया हूँ। एक रेपुटेड बिल्डर की ये सोसाइटी होने वाली है। आज हम जिस बिल्डर की बात करने वाले हैं, ये आपका ATS ग्रुप का ये प्रोजेक्ट आ जाता है, ATS रेप्सोडी, ये आपका प्रोजेक्ट आ जाता है। सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन है। अगर आप मान लीजिए सेक्टर 76-78 से होकर के आते हैं, तो आपका जैसे नोएडा एक्सटेंशन में आप एंटर करेंगे तो ATS का गोल चक्कर आता है। उससे थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो राइट हैंड में ये आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है। सेकंड कनेक्टिविटी आने की आ जाती है, अगर आप गौ चौक होकर के आते हैं, गौ चौक आएगा, गौ चौक से आपको राइट लेना है जो कि परी चौक के लिए रास्ता गया है, उस पर आप आगे चलेंगे तो हनुमान मंदिर गोल चक्कर आता है। फिर आपको वहाँ से राइट लेना है तो आप सीधा स्ट्रेट चलेंगे तो लेफ्ट हैंड में आपकी सोसाइटी आती है, CRC आएगा। CRC के बाद वाला ये प्रोजेक्ट आ जाता है ATS रेप्सोडी के नाम से। अब हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट की, तो इसके अंदर बिल्डर ने ओनली 2 साइज ही निकाले हुए हैं, 2400 स्क्वायर फीट 4 BHK प्लस सर्वेंट के साथ, जिसके अंदर एक फ्लोर पे आपके 2 ही फ्लैट होंगे और 2 ही लिफ्ट होंगे, 2 स्टेयर्स आ जाएंगे। सेकंड साइज इन्होंने निकाला हुआ है 3+ स्टडी के साथ, जो कि 1800 स्क्वायर फीट का है, जिसके अंदर अगर हम बात करें 3+ स्टडी के साथ आ जाता है। एक फ्लोर पर अगर हम फ्लैट की बात करते हैं तो 4 फ्लैट आ जाते हैं। अगर हम टोटल लैंड की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल आपकी लैंड आती है 6 एकड़ के अंदर है, जिसके अंदर 7 टावर बनाए हुए हैं, पूरा आपका ग्रीन एरिया रहेगा, बीच में क्लब हाउस वगैरह सारी चीज़ रहेगी, कॉमर्शियल मार्केट रहेगी। अगर हम बात करते हैं इसके टोटल यूनिट की तो 562 यूनिट आ जाते हैं इसके अंदर। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो अभी अंडर फिनिशिंग में आपका प्रोजेक्ट आ जाता है, नेक्स्ट ईयर से ये पोजीशन देना स्टार्ट कर रहे हैं टावर ए एंड टावर बी का, और बाकी टावरों का भी पोजीशन दे रहे हैं। तो ये मान के चलिए नेक्स्ट ईयर से आपका पोजीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी प्रीमियम चीज़ आ जाती है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे चीज़ आ जाती है, एक रेपुटेड बिल्डर की ये चीज़ें आ जाती हैं, तो इसके अंदर आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो आइए हम चलते हैं 4 BHK जो कि 2400 स्क्वायर फीट का साइज है, उसके सैंपल फ्लैट की तरफ। हम आ चुके हैं अपने ATS गोल चक्कर पे। ये हमारा ATS गोल चक्कर आ जाता है। अगर हम मान लीजिए सेंट्रल नोएडा से आ रहे हैं सेक्टर 78-79 से, तो सामने आप देखेंगे ये वाला रोड सीधा कनेक्ट हो रहा है सेंट्रल नोएडा के लिए, ब्रिज क्रॉस करते ही आपका ATS गोल चक्कर आता है जो कि FNG रोड से होते हुए आ रहा है आपका। अगर सामने रोड की बात करें तो ये वाला रोड आपका जा रहा है गौर सिटी के लिए, 4 मूर्ति के लिए। अगर आप शॉर्टकट गौर सिटी से आते हैं तो निकल जाते हैं। अगर इस रास्ते की बात करें तो ये आपका हनुमान मंदिर गोल चक्कर के लिए जा रहा है, और इसके बगल में सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ये ATS रेप्सोडी आ जाती है। एंड ये टावर का जो एलिवेशन है फ्रंट का, वो आपका इस टाइप का रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये टावर की लॉबी दी हुई है। लॉबी हर टावर में इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी। आज मैं इसके अंदर आपको 2400 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट दिखाने वाला हूँ। तो ये हम टावर की लॉबी में आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको सर्वेंट रूम दिखाता हूँ। स्टेयर के जस्ट बगल से ये आपकी सर्वेंट रूम की एंट्री आ जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका सर्वेंट रूम आ जाता है, ये आपका सर्वेंट रूम रहेगा। एंड अटैच आपको वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। सर्वेंट से आपकी जो एंट्री रहेगी ये आप लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं, किचन से होकर के आपकी एंट्री आ जाती है। ये हमारी मेन एंट्री रहेगी। इसके अंदर एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट, 2 साइड ओपन रहेगा आपके, दो तरफ से आपके टावर के आने की एंट्री रहेगी, जैसे इधर भी देखें और आपने पीछे भी देखा था। एक फ्लोर पे आपके 2 फ्लैट आते हैं, 2 लिफ्ट आती हैं एंड 2 स्टेयर्स आते हैं। जैसे आप फ्लैट के अंदर एंटर करेंगे 4 BHK प्लस सर्वेंट के अंदर, जो कि 2400 स्क्वायर फीट का साइज है, एंटर करते ही आपको फॉयर एरिया देखने को मिलेगा। एंड एंटर करने के बाद आप राइट हैंड में देखेंगे तो आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा, राइट हैंड पे आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं वुडन के इसके अंदर आपको फ्लोरिंग होकर के मिलेगी। अगर हाइट सीलिंग हाइट की बात करें तो 10.5 फीट की आपकी सीलिंग हाइट आ जाएगी। एंड ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, अटैच आपकी बालकनी एंड अटैच आपका वॉशरूम आ जाता है। तो ये आप देखेंगे ये आपका वॉशरूम दिया हुआ है इसके अंदर, ये आपका स्पेस कुछ वॉशरूम का रहेगा इस टाइप का, एंड अटैच बालकनी देखने को मिल जाएगी। यानी कि मेन गेट से एंटर करते राइट हैंड पे आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, अटैच बालकनी। तो कुछ इस टाइप का आपका ये फ्लैट होने वाला है।
एंड सामने सोसाइटी की बात करें तो सीआरसी सोसाइटी आ जाती है सामने, जैसे कि आप देख रहे हैं एटीएस रेपसोडी के नाम से आपकी सोसाइटी है, जो कि सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन में आती है। नेक्स्ट ईयर से इसका पोजीशन देना स्टार्ट कर दें। अगर हम इसके प्राइजिंग की बात करें तो 7000 रुपये पर स्क्वायर फीट की बीएसपी आती है एंड इसके अंदर कोई डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। जैसे आप फर्स्ट बेडरूम से बाहर निकल करके अंदर की तरफ चलते हैं तो जो आपका लिविंग एरिया है आपको राइट हैंड पे देखने को मिलेगा एंड उसके साथ अटैच बालकनी देखने को मिलेगी। ये वाली बालकनी आपकी फर्स्ट बेडरूम एंड लिविंग रूम से अटैच आ जाती है, यानी कि ड्राइंग रूम और आपकी फर्स्ट बेडरूम से अटैच आ जाती है। राइट हैंड पे ही आपका सोफा सेट इधर डल जाएगा, ये वाला स्पेस आता है। एंड आप लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं तो आपके 3 बेडरूम एंड किचन ये आपके लेफ्ट हैंड पे आ जाती है, ये आपका लेफ्ट हैंड वाला स्पेस आ जाता है। मेन एंट्री हमारी बिल्कुल सामने आ जाती है, यहाँ से हमने मैंने गेट से एंटर किया था, राइट हैंड पे फर्स्ट बेडरूम, उसके बाद ये आपका लिविंग रूम एंड ये आपका जो आप देख रहे हैं ये आपका लेफ्ट हैंड पे आ जाता है। सामने आपका किचन हो गया, सेकंड बेडरूम हो गया, थर्ड बेडरूम एंड फोर्थ बेडरूम। तो हम चलते हैं किचन की तरफ। ये आपका किचन आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं फुल मॉड्यूलर किचन होकर के आपको बिल्डर दे रहा है, जो कि आपको मिलने वाला है। यहाँ से हमारे सर्वेंट रूम की एंट्री रहेगी, यहाँ से भी सर्वेंट से होकर के आ सकते हैं, तो ये आपकी सर्वेंट से भी एंट्री रहेगी किचन के अंदर। तो ये हमारा इधर हो गया लिविंग एरिया, ये हमारा आ जाता है डाइनिंग एरिया इधर, ये पूरा का पूरा डाइनिंग स्पेस हो जाएगा, 8 सीटर की आराम से सेटिंग आ जाएगी यहाँ पर। एंड सेकंड बेडरूम आपका ये आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर 4 BHK के अंदर 2 बेडरूम में आपको फ्लोरिंग होकर के मिलने वाली है, वुडन की लेमिनेट की फ्लोरिंग होकर के मिलेगी जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड 2 बेडरूम में आपको टाइल्स लगा करके दे रहे हैं, तो ये आपका सेकंड बेडरूम आ जाता है। इसके साथ भी अटैच आपको विंडो देखने को मिलेगी एंड बालकनी आ जाती है एंड आपके इसके साथ अटैच वॉशरूम आ जाता है। तो प्लस पॉइंट ये आ जाता है, एक फ्लोर में 2 ही फ्लैट दिए हुए हैं। अगर टावर की हाइट की बात करें 29 फ्लोर की हाइट आ जाती है, जिसके अंदर 2 लिफ्ट आ जाती हैं, 2 स्टेयर्स आ जाते हैं, यानी कि एक फ्लैट के लिए पर्सनल लिफ्ट आ जाती है। तो लेआउट काफ़ी अच्छा निकाला हुआ है, 2400 स्क्वायर फीट का है। लोकेशन प्रीमियम लोकेशन पे आपकी चीज़ें आ जाती हैं, जिसका पोजीशन नेक्स्ट ईयर से देना स्टार्ट कर दें तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं। फ्लैट ऐसा एक आपको देखते पसंद आ जाएगा। बिल्डर की बात करें तो एक रेपुटेड बिल्डर आ जाता है ATS, जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी टाइम से प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हुए हैं, 20 से 22 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हुए हैं एंड 20 से 22 प्रोजेक्ट इनके कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। तो इस टाइप की ये प्रॉपर्टी बनाते काफ़ी एक रेपुटेड बिल्डर हैं। तो ये आपका थर्ड बेडरूम आ जाता है, जैसे कि आपने देखा जस्ट उसके बगल में थर्ड बेडरूम हो गया। मेन गेट से एंटर किया, वॉशरूम आया, वॉशरूम के बाद आपका ये बेडरूम स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका देख रहे हैं ड्रेसिंग एरिया हो गया एंड ये वॉशरूम हो गया। तो कुछ इस टाइप का आपका थर्ड बेडरूम आ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं एंड अटैच आपके साथ आपको इसके साथ बालकनी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। लिमिटेड यूनिट आ जाते हैं, 30 से 35 यूनिट अवेलेबल हैं, जो कि अभी हमारे पास आई हैं। तो अगर आप यूनिट की वो सर्च कर दें, अगर आपको चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो आप कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक आपको अच्छी डील मिल जाएगी, अच्छे रेटों के साथ डिस्काउंट भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। एक रेडी टू मूव स्टेज पे ये प्रॉपर्टी आने वाली, तो उसमें आपको चीज़ें मिल जाती हैं। एंड ये आप देख रहे हैं, इसके साथ ये अटैच आपकी बालकनी आ जाती है। तो ये आपका फोर्थ बेडरूम आ जाता है, मेन गेट से एंटर किया एंड ये आपका पूरा बेडरूम हो गया, वॉशरूम अटैच था। ये आपका पूरा लिविंग एरिया हो गया एंड डाइनिंग एरिया आ जाता है एंड ये हमारी मेन एंट्री आ जाती है। यहाँ से हमने एंटर किया था फ्लैट के अंदर। जैसा कि आपने ये देख ही लिया है, सेम उसी टाइप का आपका ये फ्लैट अपार्टमेंट होने वाला है। अगर हम इसमें काम की बात करें तो आपको फुल मॉड्यूलर किचन आपको बिल्डर करके दे रहा है, बाकी आपको रॉ फ्लैट देखने को मिलेगा। तो इस टाइप की इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम BSP की बात करें तो 7000 रुपये पर स्क्वायर फीट की BSP आती है।
और इसके अंदर डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाता है। तो लिमिटेड यूनिट है, अभी हमारे पास 40 के करीब यूनिट आ रखी है कैंसिलेशन में, तो उनका आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप रेपुटेड बिल्डर की प्रॉपर्टी सर्च करें तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो अदरवाइज आपकी और भी कुछ क्वेरी हो तो स्क्रीन पे नंबर शो रखा है, कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अच्छे डील देख रहे हैं, अगर आपको यूनिट समझ में नहीं आ रहे तो वो हमारे पास अभी अवेलेबल है, वो आप